my name is kaushik and we are doing history of english literature in this lesson we will be talking about the age of shakespeare again we are doing a discussion over all works by shakespeare this is part second so in this lesson first we will be talking about the life and death of john king john this is a historical play so in the, in the series of uh, historical plays by shakespeare, this is also a, uh, a historical play, and this is based on an anonymous play, the troublesome reign of king john of england. so, Jesaki most of works by shakespeare were influenced by other works, or you can say most, most of works were copied from uh, other writers. सो so, एक जो प्ले है ट्रबल सम रेन ऑफ जॉन किंग ऑफ इंग्लैंड वहाँ से ही शेक्सपियर ने इसको लिया द लाइफ एंड डेथ ऑफ़ किंग जॉन द प्ले विथ डिपार्चर फ्रॉम हिस्टोरिकल एक्यूरेसी तो ये जो प्ले है इसमें आपको थोड़ा सा डिपार्चर मिलेगा हिस्टोरिकल एक्यूरेसी का एंड इट डील्स विथ वेरियस इवेंट्स ऑफ किंग जॉन्स रेन और इसमें जो किंग जॉन का शासन का टाइम है वो आपको देखने को मिलेगा एंड मेनली विद दी ट्रेजिडी ऑफ यंग ऑर्थर और इसमें यंग ऑर्थर की ट्रेजेडी आपको स्टडी uh, करनी है इट एंड्स विद द डेथ ऑफ़ जॉन एट स्विंस्टेड एबे और जो इसकी स्टोरी ख़त्म होती है वो होती है आपकी जब किंग जॉन की डेथ हो जाती है और वो कौन से प्लेस पे होती है स्विंसटेड एबे में होती है तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट करने हैं इट इज स्ट्राइकिंग दैट नो मैंशन ऑफ मैग्ना काटा पियर्स इट और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस टाइम मैग्ना काटा आ, आया था लेकिन उन्होंने इसमें शेक्सपियर ने इसमें मेंशन नहीं किया है द्रेजिक क्वालिटी ऑफ द प्ले द पोइनेंट ग्रीफ ऑफ कॉन्स्टेंस ऑर्थर्स मदर एंड पोलिटिकल कॉम्प्लीकेशन डिपिक्टेड आर रिलीव्ड बाय विट्री ऑफ बास्टर्सो सन ऑफन ब्रेज एक्ट यूमा और गालेंट्री आपको देखने को मिलेगी टू गिव द रिलीफ फ्रॉम दैजिक क्वालिटी ऑफ द प्ले किंग रिचर्ड सेकेंड विच गॉट पब्लिश इन 1596 ये जो पब्लिश था वो हुआ था 1596 में इट इज़ अगेन हिस्टोरिकल प्ले सो इन शेक्सपियर्स वर्क यू कैन से इफ़ यू फाइंड एनी किंग्स नेम दे इट इज़ ऑबियसली इट इज़ हिस्टोरिकल प्ले एंड दोर्सेज द क्रॉनिकल ऑफ हॉल शेड दिस इज़ द बिगेस्ट शोर्स ऑफ हिज वर्कस जो शेक्सपियर के जितने वर्कस हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुंस है वो क्रॉनिकल्स ऑफ हॉल शेड का ही है हैव ड्रोन ऑन सेमल डेनियल्स नेरेटिव पोइम द सिविल वॉर्स द दिनॉनीमस प्ले अबाउट रिचर्ड रिचर्ड सेकेंड कॉल्ड वुड स्टॉक तो ये भी आपका एक अनोनीमस प्ले है जो कि रिचर्ड सेकेंड के बारे में है जैसा कि हमने पिछले किंग जॉन वाले प्ले में देखा था सो दीज आर कॉमन थिंग्स इन बोथ ऑफ वर्कस द प्ले बिगिनस विद द्वारल बिटवीन हैनरी बॉल इन ब्रोक तो ये जो प्ले है वो शुरू होता है किसके साथ में हैंरी बोलिन का जो न, आ, क्वेरल होता है किसके साथ में सन ऑफ सन ऑफ जॉन गाउंट एंड थॉमस मॉबरे ड्यूक ऑफ नॉर्थ बलॉक विच किंग रिचर्ड रिजॉल्व्स आबिट्रेली बाय एग्जाइलिंग मॉबरे फॉर लाइफ यहाँ पे जो मॉबरे है उसको लाइफ टाइम के लिए एग्जाइल कर दिया जाता है और जो बॉलिन ब्रोक है उसे दस साल के लिए

जो चीजें हैं उनको अपना इनहेरिटेंस वापस लेने के लिए एक इंसित करता है और क्लेम करता है एंड टेक्स बर्कले कासल और कौन सी जगह पे चला जाता है वो लेता है बर्कले कासल को विच द ड्यूक ऑफ यॉर्क हैज एज रिजेंट और टू हिम द किंग रिटर्न्स टू वेल्स अब जो किंग है वो वेल्स में चला जाता है हियर्स दैट देट बॉलिंग ब्रोक हैज एग्जीक्यूटेड द किंग किंग्स फेवरेट बशी एंड ग्रीन अकम्पनाइड बाईक्सन ऑमरले सो ये आपको कैरेक्टर्स याद रखने हैं ही विद्रोस टू फ्लिंट काशन वेर बॉलिंग ब्रोक एक्सेप्ट हिस्सर अब वो वापस चला जाता है और बॉलिंग ब्रोक जो है वो अपना सरेंडर एक्सेप्ट कर लेता है फर्स्ट हाफ ऑफ द प्ले एंड डिस्कशन बिटवीन गार्डना एंड रिचर्ड्स क्वीन इसेबल अबाउट द गवर्मेंट ऑफ़ द गार्डन स्टेट एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द किंग्स डिस फर्स्ट ऑफ हाफ ऑफ द प्ले है वो गार्डना एंड रिचर्ड्स क्वीन इसेबल के बीच में जो डिस्कशन चलता है उसमें फिनिश हो जाता है इन लंडन रिचर्ड रैलिंग कुछ हिस्स क्राउन टू बॉलब्रोक अब जो रिचर्ड है उसने अपना जो क्राउन है वो किसको दे दिया है बॉलिन ब्रोक को दे दिया है हु सेंड्स हिम टू दी टावर और बॉलिन ब्रोक उसको टावर में भेज देता है दी अर्ल ऑफ कालिसल्स एंड ऑमल्स प्रॉड टू किल बॉलिन ब्रोक हु हैज नाउ प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ हेनरी फोर्थ जो बॉलिन ब्रोक है वो खुद को अब हेनरी फोर्थ उसने प्रोक्लेम कर दिया है इस फॉइल्ड बाय यॉर्क रिचर्ड इस ट्रांसफर टू पॉम्फ्रेट काशल वेयर ही हियर्स ऑफ हैंनरीज कोरोनेशन एंड इज मर्डर्ड बाय सर पियर्स ऑफ एक्सटन तो अभी जो वहाँ पर आ जाता है रिचर्ड इज यॉर्क रिचर्ड इज ट्रांसफर टू पॉम्फ्रेट काशल वेयर ही हियर्स हैंनरीज कोरोनेशन अब जो हेनरी है वो कौन है आपका बॉलिन ब्रोक ही है रिटर्न एंटायरली इन वर्ड्स और जो ये वर्क है वो पूरा का पूरा लिखा हुआ है नेक्स्ट वर्क इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस दिस इज अ कॉमेडी बाय शेक्सपियर एंड इट्स दस्ट स्टोरी ऑफ द फोर्थ डे ऑफ सेकेंड पैको रो ने जियोवनी फ्योरेंटिनो कलेक्शन ऑफ नोवेला सो दिस इज अगेन अ फ्रेंच ने एंड जेस्टा रोमनोरम सो ये आपके क्या है मर्चेंट ऑफ वेनिस के uh, आप कह सकते हैं सोर्सेज हैं या मोटिवेशन है जहां से शेक्सपियर ने लिया था एंड अडेप्शन जॉर्ज ग्रेनवेल जियो ऑफ वेनिस और इसको बाद में जियो ऑफ वेनिस से भी uh, लिखा गया और पोर्ट्रेट किया गया बेसेनियो अब इसकी स्टोरी देख लेते हैं अ नोबल बट पोअ वेनेटिन आज फ्रेंड एंटोनियो जो बेसेनियो है वो एंटोनियो से क्या करता है ये जो कि एक रिच मर्चेंट है uh, तो उससे हेल्प लेता है थ्री थाउजेंड ड्यूकेट्स की एंटोनियो हुएड इन फॉरिन फ्रॉम शायलॉक और जो एंटोनियो है वो उसकी सारी जो मनी है वो फॉरेन वेंचर्स में लगी हुई है और वो अपने फ्रेंड शायलॉग एक जो कौन है एक है uh, whom he has for his वो शायलॉग से क्या करता है मनी लेता है लेकिन बाद पहले उसका शायलॉग जो होता है उससे उसके रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि उसने उसको अब्यूज किया होता है उसको बुरा भला कहा होता है पहले शायलॉग कंसेंस टू लेंड द मनी अगेंस्ट अ बॉन्ड बाय विच शायलॉग क्या करता है कि कहता है कि मैं पैसे आपको दे दूंगा लेकिन उसके साथ में ही एक बॉन्ड फिल करवाता है उसमें कहा जाता है कि इफ दिस सम इज नॉट रिपेट अगर सम रिपे नहीं किया गया

एक शर्त रखी थी कि जो भी थ्री कास्केट में आ, सेलेक्ट करेगा उसमें थ्री कास्केट कौन कौन से थे वन ऑफ गोल्ड वन ऑफ सिल्वर वन ऑफ लेड दैट विच कंटेन्स हर पोर्ट्रेट और उसमें उसकी खुद की पोर्ट्रेट लगी हुई थी ये दो स्टोरी साथ साथ में चल रही होती है अब जो एंटोनियो है वो दे नहीं पाता और इसमें क्या है कि जो बेसेनियो है वो स्टोरी जो पोर्शिया की है जो कंडीशन पोर्शिया के लिए रखी हुई है बेसेनियो मेक्स द राइट चॉइस और जो बेसेनियो है उसने क्या कर दिया राइट चॉइस बना दी है दी कास्केट एंड इज वेडेड टू तो पोर्शिया और बेसेनियो की जो मैरिज हो गई है वो किससे हो गई है पोर्शिया से एंड हिज फ्रेंड ग्रेशियानो टू मेड नेरिसिया और जो बेसेनियो का फ्रेंड है ग्रेशियानो उसकी नेरिसा से मैरिज हो जाती है यहाँ पे दो चीजें साथ साथ चल रही हैं न्यूज कम्स फ्रॉम दैट एंटोनियो बीन अब Antin, के जो ships है, वो क्या हो गए हैं सारे डूब गए हैं। हैज नॉट बीन रिपेड वेन यू और जो उसने कर्ज लिया था अः डेट किया था किसके पास शायलॉक के पास वो अब रिपे नहीं हो पाया एंड दैट शायलॉक क्लेम्स इज पाउंड ऑफ फ्लैश अब शायलॉक

कम टू कोर्ट टू डिफेंड एंटोनियो अब वो एंटोनियो को डिफेंड करने के लिए आए हुए हैं शायलोक एंटोनियो से रिवेंज लेना चाहता है बदला लेना चाहता है क्योंकि उसने उसे पहले जूस बोल के गालियां दी थी टू देर हजबेंड अब एंटोनियो जो है उसे नहीं पता होता है कि जो एडवोकेट है वो पोर्शिया है फॉलोइ इन हर अपील टू शायलॉक फॉर ब्लड अब ये होता है कि पोर्शिया कहती है कि ठीक है शायलॉक अपनी बात पे आ, बिल्कुल स्ट्रॉन्गली रखता है कि मुझे फ्लैश चाहिए वन पॉइंट ऑफ फ्लैश मैं निकालूंगा आई डोंट वॉन्ट मनी नाउ बट यहाँ पे पोर्शिया कहती है कि ठीक है पहले वो काफी रिक्वेस्ट करती है मर्सी के लिए लेकिन जब वो नहीं मानता तो फाइनली वो कहती है कि ठीक है आपका क्लेम हम मानते हैं बट यहाँ पर वो कहती है कि सिर्फ और सिर्फ फ्लैश ही निकाला जाए वहां पर एक भी ड्रॉप क्या नहीं होना चाहिए ब्लड नहीं गिरना चाहिए सिंस हिज बॉन्ड गिव्स हिम राइट टू नथिंग बियॉन्ड द फ्लैश वो कहती है कि सिर्फ और जो बॉन्ड है उसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि आप सिर्फ फ्लैश ही निकाल सकते हैं सिर्फ मान से ही निकाल सकते हैं ब्लड नहीं हिज एडवांटेजेस शी आर्ग्यूज लाइफ फॉर हैविंग कंस्पायर्ड अगेंस्ट द लाइफ ऑफ वेनेटियन सिटीजन अब उसे इस चीज का एडवांटेज मिल जाता है और वो फिर आर्ग्यू भी करती है कि जो शायलॉग की लाइफ है वो भी क्या है एक फॉरफिट uh, कर दी जाएगी और ले ली जाएगी अगर वहां पर उसका एक भी जो ड्रॉप ऑफ ब्लड है वो निकलता है तो दूक ग्रांस शाइलॉक हिज लाइफ बट गिव्स हाफ हिज वेल्थ टू एंटोनियो अब ड्यूक क्या कहता है कि वो शाइलॉक की जो लाइफ है उसको ग्रांट करता है और लेकिन उसकी जो आधी वेल्थ होती है वो एंटोनियो को दे दी जाती है हाफ हाफ टू द स्टेट और आधी किसको दे दी जाती है स्टेट को एंटोनियो सरेंडर्स इस क्लेम इफ शाइलॉक विल टर्न क्रिश्चियन अब एंटोनियो कहता है कि कोई नहीं मैं अपना क्लेम ले लेता हूं अगर शाइलॉक क्रिश्चियन बन जाता है एंड मेक ओवर हिज प्रॉपर्टी ऑन हिज डेथ टू हिज डॉटर जेसिका और कहता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो बाद में उसकी डेथ के बाद जेसिका को मिल जाएगी हु हैज़ रन अवे जो कि वहाँ से uh, शैलोक के घर से भाग चुकी है और जाके उसने किसी क्रिश्चियन से शादी कर दी है एंड बीन डिस और शैलोक ने इस वजह से जेसिका को क्या कर दिया है इनहेरिटेड कर दिया है और शैलोक इस बात के लिए एग्री हो जाता है वो कहता है कि मैं ऐसा करूँगा पोर्शिया एंड नेरिसा आस्क एज रिवॉर्ड फ्रॉम बैसनियो और पोर्शिया और नेरिसा कह से रिवॉर्ड मांगती हैं एंड ग्रेशियानो दोनों के दोनों दोस्त थे जिनकी शादी पोर्सिया और नरिसा से ऑलरेडी हो चुकी है रिंग्स दैट देयर वाइफ्स हैव गिवन देम वो कहते हैं कि ठीक है हमें वो रिंग्स दे दीजिए जो आपकी वाइफ्स ने आपको दी थी विच दे हैव प्रमिस्ड नेवर टू पार्ट विद और दोनों के दोनों कहते हैं कि नहीं हम ये बिल्कुल नहीं दे सकते तो रिलेक्टेंटली दे गिवन गिव दैम अप और अनिच्छा से बिल्कुल दे विश टू डू दिस वो ये नहीं करना चाहते थे बट उन्होंने दिया एंड आर टेकन टू टास्क अकॉर्डिंगली टू रिटर्न होम और अब वो वापस अपने घर वापस आ जाते हैं द प्ले एंड्स विद न्यूज ऑफ द शिप अराइवल ऑफ एंटोनियो शिप और फिर से एक अच्छी खबर आती है एंटोनियो के लिए कि आपके जितने भी शिप्स वहां पे शिप प्रोजेक्ट हुआ था जो उसकी खबर आई थी वो अब वो सारे शिप्स वाप, वापस सेफ पहुंच चुके हैं किंग हैं फोर्थ पार्ट फर्स्ट 1597 में ये आया था जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसमें भी आपका किंग्स के नेम जिस भी आ, प्ले में होंगे वो आपका हिस्टोरिकल प्ले होगा क्रॉनिकल ऑफ हॉलेंड शिड ही इसका सोर्स है तो आप देख सकते हैं कि ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्रॉनिकल्स ऑफ हॉलैंड आप, आपको याद हो चुका होगा डेनियल्स हिस्टोरिकल पोएम द सिविल वॉर्स और जो दूसरा है वो है आपका डैनियल्स हिस्टोरिकल पोएम्स सिविल वॉर दिस सब्जेक्ट ऑफ पार्ट वन जो सब पार्ट वन है उसका जो सब्जेक्ट है द इज द रेबेलियन ऑफ द पर्सीज असिस्टेड बाय डॉगलस तो रेबेलियन कौन है यहाँ पर परसीज हैं अगर हम हेनरी फोर्थ की बात कर रहे हैं पार्ट फर्स्ट में और असिस्टेड बाय डॉगलस उसका जो साथ दे रहा है वो है डॉगलस एंड इन कंसर्ट विद मोर्टि एंड ग्लैंडोव एंड इट्स डिफीट बाय द किंग एंड प्रिंस ऑल द प्रिंस ऑफ वेल्स एट सर्सबरी तो यहाँ पर जो है पहली चीज है कि जो रैबल हुआ है और जो डिफीट हुई है आ, इन कंसर्ट विद ंग एंड ग्रेंडर इट्स डिफीट बाय द किंग एंड प्रिंस हॉल और जो उनकी डिफीट हुई है बाय द किंग हॉल एंड द प्रिंस ऑफ वेल्स एट शिर्सबरी तो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है और जो फॉल्स स्टॉप है फर्स्ट अपीयर्स इन द प्ले अब यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये काफी बार पूछा जाता है कि ये फॉल्स स्टॉप किस शेक्सपियर के किस प्ले का हिस्सा है

ट्रेवलर्स को रॉब uh, करते हैं बट बाद में खुद भी उन उनकी जितनी चीजें होती हैं छीन ली जाती हैं पॉइंट्स एंड प्रिंस ऑल राइट ये आपको कैरेक्टर्स आप लोगों को ध्यान से से देखना है और आपके स्टोरी आपको याद होनी चाहिए प्लॉट सक्सीड्स प्लॉट आगे बढ़ता है एंड लीड्स टू फॉल्स टॉप वेल नोन फैब्रिकेशन टू एक्सप्लेन द लॉस ऑफ द बूटी एंड हिज एक्सपोजर एट द बैटल ऑफ श्शुस्परी जो बैटल हुआ था श्शुस्परी में प्रिंस हॉल किल्स हॉटस्पर इन अ हैरोइक सिंगल कॉम्बैट एंड देन डिस्कवर्स फॉल्स्टॉफ फेनिंग डेथ व्होम ही मॉन्स विद द वर्ड्स आई कूद हैव हाँ बेटर स्पार्ड अ बेटर मैन और वहां पर जो आ, प्रिंस हॉल है वो एक आ, कुछ कहता है या हम इसको एज अ सॉन्ग ही सिंग्स कि वो कहता है कि आई कुड हैव बेटर बेटर मैन आफ्टर हॉल्स जब हॉल चला जाता है फॉल्स टॉप रिसोर्सफुली क्लेम्स क्रेडिट फॉर हैविंग स्लेन हॉट्स हॉट्स पर अब यहाँ पर जो हॉल प्रिंस हॉल जो है वो जब चला जाता है तो फॉल्स स्टॉप uh, बाद में कहता है कि उसने हॉटस्पर को मारा है उसने उसको आ, किया है किल किया है सर जॉन फॉल्स टॉप अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर शेक्सपियर फर्स्ट एंड सेकेंड हेनरी फोर्थ एंड मैरी ऑफ जो Falstop है वो आपको दो जॉन फॉल्स ये जो कैरेक्टर है वो आपके शेक्सपियर के दो प्लेस में मिलेगा एक है आपका हैनरी फोर्थ और द मैरी वाइफ ऑफ विंटसा डॉक्टर जॉनसन अनमिटिटेड अनमिटिबिल डॉक्टर जॉनसन ने इस प्ले के लिए कहा था किंग हेनरी पार्टूटी एट पार्ट टू डी रेवलियन ऑफ आर्च बिशप स्क्रूप अब ये जो है यहाँ पर भी रेबल हुआ है पार्ट टू में भी रेबल हुआ है फर्स्ट में भी रेबल हुआ था यहाँ पर किसने रेबल किया है वो किया है आर्च बिशप स्क्रूप मॉबरे एंडिंग वाइल्ड इन दी कॉमिक अंडर प्लॉट डूइंग इज़ डूंग्यूड और जो फॉल्स स्टाफ है वो कॉमिक इफेक्ट लाने के लिए उसको रखा गया है डूइंग इज कंटिन्यूड उसका जो वर्क है वो चल रहा है विद दो ऑफ द प्रिंस पिस्टल पॉइंट मिस्ट्रेस क्वर्की क्विकली एंड डोल्ट शीट ये जो सेकेंड प्लॉट है वो इन कैरेक्टर्स के साथ में चलता जा रहा है कॉमिक इफेक्ट के लिए फॉल्स स्टॉप समन टू दर्मी फॉर द रिप्रेशन ऑफ द रेबिलियन फॉल्स इन विदिस बट ऑफ एंड एक्सट्रेक्ट वन थाउजेंड वर्क फ्रॉम दू फॉल्स स्टॉप है उसे समन टू दर्मी फॉर द रिप्रेशन ऑफ द रेबिलियन और उसको ले लिया समन किया जाता है वहां पर

ग्लूस लंडन जाता है जो न्यूली क्राउन किंग है लेकिन उसको मना कर देता है उससे मिलने इसीलिए उसको रिजेक्ट कर देता है और उसकी जो स्पीच होती है वो होती है आई नो नॉट ओल्ड मैन जो फॉल्स स्टॉप के लिए बोला जाता है सो इट कैन बी आस्ट फॉल टू दाई प्रेयर्स बैनिशिंग हिम हिम फ्रॉम हिज प्रेजेंस बट अलाउविंग हिम कॉम्पिटेंस ऑफ लाइफ और उसको वो बैनिश कर देता है वहां से फॉल टू दाई प्रेयर्स ये उसके वहां पे शब्द होते हैं मच अडू अबाउट नथिंग ये आपका नेक्स्ट वर्क है इट इज अमेडी मच अडू अबाउट नथिंग ये कॉमेडी है इसके जो सोर्सेज हैं वो आपको याद रखने हैं और नोवेला बाय बलो एंड एन एपिसोड इन एरियास्टोज ऑल एंडो फ्यूरेसियो तो ये आपके सोर्सेज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं हर वर्क में याद रखने द प्रिंस ऑफ एरगन ये स्टोरी है आपकी प्रिंस ऑफ एरगन विद क्लॉडियो एंड बेनेडिक इन हिज विजिट्स लियोनाडो ड्यूक ऑफ मेसिना फादर ऑफ हीरो एंड द अंकल बिट्रिस तो जो प्रिंस ऑफ एरगन है वो क्लॉडियो और बेनेडिक के साथ में कहा आते हैं लियोनाटो uh, आते हैं ड्यूक ऑफ ड्यूक ऑफ मेसिना से मिलने के लिए बीटरिस का अंकल ऑफ बीटरिस एंड द फादर ऑफ जो मेसिना है जो ड्यूक ऑफ मेसिना है वो फादर ऑफ हीरो एंड अंकल ऑफ बीटरिस है द द हैज अ टीजिंग रिलेशनशिप विद सोन बेनेडिक अब जो यहाँ पर बीटरिस है उसका जो रिलेशनशिप है अभी वो किसके साथ में है बेनेडिक के साथ में बीटरिस एंड बेनेडिक आर इज ट्रिक्ड इन टू बिलीविंग इन दि अदर इन लव एंड दिस ब्रिंक्स अबाउट अ जेन्युन सिंपेथी बिटवीन दम जो बीट्रिस है एंड बेनेटिक है इनको uh, ट्रिक्ड किया जाता है एक बिलीव के लिए कि वो दोनों एक दूसरे के साथ में uh, प्यार में है एंड दिस ब्रिंक्स अबाउट जेनुअन सिंपेथी बिट्वीन दिन वाइल डन जॉन द मेल कंटेंटेड ब्रदर ऑफ द प्रिंस क्लोडियोज मैरिज बाय अरेजिंग फॉर हिम टू सी हीरो वूड बाय हिज फ्रेंड बोराशियो ऑन हर बालकनी इट इज रियली हर मेड सवेंट मार्गरेट इन डिस्गाइज तो यहाँ पर क्या है कि जो हीरो है उसको वो कौन कर रहा है बोराचियो और जो बोराचियो है वो रियलिटी में कौन है मेड सर्वेंट मार्गरेट हीरो इज पब्लिकली डिनाउंस्ड बाय क्लॉडियो ऑन ह वेडिंग डे फॉल्स इंटू अंड अपरेंटली डाइज सो हीरो जो कैरेक्टर है उसमें पब्लिकली डिनाउंस बाय क्लॉडियो उसे डिनाउंस कर दिया जाता है क्लॉडियो के द्वारा ऑन ह वेडिंग डे एंड फॉल्स इंटू अर वो मर जाता है बेनेडिक प्रूव हिज लवस फॉर बीटरिस बाय चैलेंजिंग क्लोडियो टू अ ड्यूएल अब जो बेनेडिक है वो ब्रिट्रिस को बिटरिस से अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए क्लोडियो को एक डुअल में चैलेंज करता है दाई डॉन जॉन एंड बोराशियो इज बाय द शैलो फूल्स बेरी एंड वोगस लोकल कांस्टेबल और जो प्लॉट किसने बनाया था डॉन जॉन और बोरिशियो ने उसको सबके सामने ला लिया लाके आते हैं कौन लोकल कांस्टेबल फिर जो क्लॉडियो प्रोमिस टू क्लॉडियो प्रोमिस टू मेक लियाना टू फॉर हिज डॉटर्स डेथ एंड आस्क टू मैरी अ कजिन ऑफ हीरोज तो जो हीरो का जो कजिन है उससे बात करने की उसे उससे शादी करने के लिए क्लॉडियो क्या करता है आ, लियानाटो को प्रॉमिस करता है लेकिन यहाँ पर जब जो वेल्ड लेडी है जिसका हमने ऊपर पढ़ा था कि जो हीरो है वो मर जाती है लेकिन ऐसा नहीं होता जो वेल्ड लेडी है वो खुद से कौन हीरो ही होती है हीरो मीन्स शी वॉज अ कैरेक्टर राइट सो आस्क टू बी मैरिड एट द सेम टाइम बेनिडिक फिर से कहता है किसको बीट्रेस एंड पार्टली टू सेव योर लाइफ फॉर आई वॉज टोल्ड यू आर इन कंजन एग्रीज एंड प्ले एंड अब यहां पर क्या होता है कि जो आ, स्टोरी है उसमें फिर से बेनिडिक तो को भी ही, आ, ब्रिटिश से शादी करने के लिए बोल दिया जाता है और जो लास्ट है वहां पे वो एग्री हो जाता है और जो प्ले है वो एंड विद डांस वो सारे लोग डांस करते हैं और वहीं पे जो प्ले है वो एंड हो जाता है किंग कैंगरीनरी सॉरी किंग हैं फिफ्थ फिफ्टीन नाइन की बात करते हैं हिस्टोरिकल प्ले ये आपका एक हिस्टोरिकल प्ले है सोर्सेज द क्रॉनिकल्स ऑफ हॉल जैसा मैंने आपको कहा कि जितने भी uh, शेक्सपियर के जितने भी हिस्टोरिकल वर्क्स हैं वो ज्यादातर और मैं कहूँ कि ऑल वर मोटिवेटेड बाय दिस क्रॉनिकल ऑफ हॉल क्रॉनिकल ऑफ हॉल से आपको ये मोटिवेटेड मिलेंगे या वहाँ से कॉपीड मिलेंगे प्ले ओपन्स विद द न्यूली असेंडेड हेनरी तो जो प्ले शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है जो हैनरी uh, है तो उसे अभी अभी अपना राज्य मिला है एस्टोनिशिंग क्लर्जी एंड कोर्टियर्स हिज हिस्पाइटी एंड स्टेट क्राफ्ट दर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी डिमॉन्स्ट्रेट इन लॉन्ग सैलिक लॉ स्पीच वहां पे सैलिक लॉ स्पीच में जो आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी है वो डिमोन्स्ट्रेट करता है क्लेम टू थ्रोन ऑफ फ्रांस एंड डॉफिनस जेस्टिंग गिफ्ट टू टेनिस बॉल्स गिव्स हिम अ एन इमीडिएट प्रोटेक्स ऑफ फॉर

फोर्टीन uh, फिफ्टीन में उसके उसमें उसे काफी अच्छी सफलता मिलती है अ बैटल फॉर विच ही प्रिपेयर हिज सोल्जर्स इन क्रिस्पिन क्रिस्पियन स्पीच तो यहाँ पे जो ये स्पीच है क्रिस्पिन क्रिस्पियन स्पीच ये उसने अपने सोल्जर्स के लिए दी थी कॉमिक रिलीफ इज प्रोवाइडेड बाय द ओल्ड टैवन कंपेनियन ऑफ फॉल्स स्टॉप यहाँ पर भी आपको फॉल्स स्टॉप देखने को मिलेगा और ये एक कॉमिक कैरेक्टर uh, है Who have fallen on hard times and by some of Henry's soldiers, especially the pedantic but courageous Welsh captain Fluen. The new patriotic comic character symbolically defeats the old when Fluen compels the braggart pistol to eat a leak. So these are the important, important part of the play. द लास्ट एक्ट इज गिवन टू हैं इज वग टू कैथरीन ऑफ द फ्रेंस और जो लास्ट एक्ट है इसमें वो है आपका हैंनरी कैथरीन uh, को वो करता है कैथरीन ऑफ फ्रांस को वो करता है ना लेट्स टॉक अबाउट जूलियजियर इज अ रोमन ट्रेजिडी वी नो वी ऑल नो दिस इज अ फेमस ट्रेजिडी रोमन ट्रेजिडी मेजर सोर्स नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटॉक्स लाइफ ये आपको याद रखना है कि जो मेजर सोर्स है क्योंकि आपके जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं मेजर सोर्सेस से कि सोर्सेस कहाँ से लिया गया था ये सो मेजर सोर्सेस नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटाक्स लाइफ ये प्लूटाक्स का जो वर्क है लाइफ्स उससे लिया गया है इट बिगिंस विद द इवेंट्स ऑफ दोर्टी फोर बी सी और ये फोर्टी फोर बी सी में शुरू होता है आफ्टर सीज ऑलरेडी

डिस्ट्रस ऑफ सीजर्स एम्बिशंस गिव्स राइस टू अंसपरेसी अगेंस्ट हिम रोम लवर ऑफ फ्रीडम अब जो रोमन है वो सारे कंस्परेसी करते हैं उसके अगेंस्ट नोटेबली कैशियस एंड कास्का तो इसमें जो दो कैरेक्टर अभी हमें फिर से देखने को मिल रहे हैं वो है आपका कैशियस एंड कास्का दे विन ओवर देअर कॉज ब्रूटस ब्रूटस जो है वो सीजर का अच्छा दोस्त है उसको हम कह सकते फेथफुल है लेकिन जो कैसे का है, वो को अपनी जो है, उसमें ले आते हैं उसको एक तरह से कन्विंस कर देते हैं कि जो सीजर है वो यहाँ रोमन्स को क्या करेगा अपने अंडर में रूल करेगा हु रिलेक्टेंटली ज्वाइंस देम फॉर्म सेंस ऑफ ड्यूटी टू द रिपब्लिक अब वो रिलेक्टेंटली बनी बड़ी बिना इच्छा के वो ज्वाइन कर लेता है उनकी उनकी प्लानिंग को सीजर इज स्लैन बाय इन दिस सीनेट हाउस और जो सीजर है उसको क्या कर दिया जाता है स्लेन uh, उसको किल कर दिया जाता है कहाँ पे किया जाता है सीनेट हाउस में ये इफेक्ट्स बिल्कुल आपकी माइंड uh, मैप की तरह होने चाहिए एंटोनी सीजर्स फ्रेंड जो एंटनी है वो किसका दोस्त है सीजर का दोस्त है पीपल अगेंस्ट बाय ए स्किलफुल स्पीच एट और जो एंटनी एंटनी है वो सारे लोगों को एक तरह से भड़काता है जो भी कंस्परेटर्स से षडयंत्र करने वाले थे अपनी एक स्किलफुल स्पीच से सीजर के फ्यूनरल पे ऑक्टेवियो नेफियो ऑफ जूलियस सीजर एंटनी एंड लेपिडस यूनाइटेड एज ट्रस अपोज द्रूटस एंड कैशियस और बाद में जब ये एक तरह से रेबल हो जाता है अगेंस्ट uh, रोमन्स तो ऑक्टो ऑक्टोवियो कौन है ऑक्टोवियो है आपका जूलियस सीजर का नेफियो वो एंटनी एंड लेपिडस के साथ मिलकर कैशियस और ब्रूटस कैशियस और ब्रूटस को अपोज करता है

Uh, दोनों के दोनों हार जाते हैं कहां पे बैटल ऑफ में एंड किल किलसे और खुद को ही वो मार लेते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्ले द मैरी वाइफ्स ऑफ विंट सो ये आया था आपका 1600 में इट वॉज अ कॉमेडी पॉसिबली रिटर्न और अडेप्टेड फॉर द ओकेजन ऑफ जॉर्ज कैरी लॉर्ड हर्टसन इंस्टॉलेशन एज नाइट ऑफ द ट्वेंटी थर्ड अप्रैल तो ये जो पॉसिबली ये था और इट फॉर जॉर्ज कैरी लॉर्ड हर्टसन इंस्टॉलेशन एस नाइट ऑफ द गार्डन ट्रेडिशन रिटर्न एट द रिक्वेस्ट ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट फॉर प्ले शोइंग फॉर स्टॉप इन लव जो ये जो लिखा गया था वो लिखा गया था रिक्वेस्ट

जेंटलमैन रहते, रहते हैं वो कहाँ रहते हैं प्लेस है बिकॉज दे हैव द रूल ऑफ देयर पर्सेस और उनके पास क्या होता है दोनों के पास कंट्रोल होता है अपने हस्बैंड के पर्सेस का निम एंड पिस्टल डिस्कार्ड इट ऑफ फॉल स्टॉफ वन दसबेंड्स और जो निम और पिस्टल जो अगले कैरेक्टर हैं वो जाके ये बात किसको बता देते हैं हस्बैंड को बता देते हैं तो देख लेते हैं यहाँ पे एक फॉल्स टॉप है फोर्ड ऑफ पेज है कैरेक्टर में विंडसर जो प्लेस है निम पिस्टल अगले जो कैरेक्टर यहां पर जो फॉल्स स्टॉप है वो बिल्कुल एक जैसे लव लेटर्स किस किस को भेजता है मिसेस फोर्ड एंड मिसेस पेज को हु कंट्राइव दिसकंफर्ट ऑफ नाइट तो दोनों के पास वो लेटर पहुंचते हैं एट द फर्स्ट असाइन असाइनशन एट फोर्थ हाउस ऑन दराइवल ऑफ दाइट फॉल स्टॉप इन अस्केट अब जो उनका हसबैंड वहां पर आते हैं तो फॉल स्टॉप को एक बास्केट में छुपा दिया जाता है कव हिम विदियन एंड लीन एंड है मडी डिच उसको बड़े ही फाउल uh, के साथ में छुपाया होता है कहाँ पे एक बास्केट में फैट जो है उसको disguise किया जाता है कहाँ पे फैट वुमेन एंड ब्रेनफोर्ड उसको इस तरह से दिखाते हों अपने हस्बैंड को इन विच कैरेक्टर ही इज साउंडली बीटन बाय फोर्ड और उसको फोर्ड uh, जो है वो काफी पीटता है नेक्स्ट

हो जाता है सब प्लॉट इज कंसर्न विदिंग ऑफ एन यहाँ पे जो सब प्लॉट है वहां पे जो एन है डॉटर ऑफ पेस पेस जो Pace था, जो था जेंटलमैन थे दो, दोनों फोर्ड एंड पेस उनकी बेटी जो है उसको भी वो किया जाता है बाय थ्री शूटर्स डॉक्टर के एस अ फ्रेंच फिजिशियन सिलेंडर सिल्ड ऑफ जस्टिस शैलो

behalf of slander and receives a challenge from the irascible dr. K S, but hostility are conf confined to the hacking to english tongue at the final assign uh, assignation with false stop jo false stop ke me final jo assignation hota hai in the forest pays who favors slander arranges that the latter shall carry off his daughter sorry later शेल कैरी ऑफ हिज डॉटर तो सिलेंडर के साथ में आता है तो पेज कहता है कि जो सिलेंडर है वही उसकी ले जाएगा और डॉटर को हु इज टू बी ड्रेस्ड इन वाइट वाइल मिसेस पेज हु फेवर्स डॉक्टर अरेंजेस दैट शी शेल कैरी हर ऑफ ड्रेस्ड इन ग्रीन अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है यूजली वो है कि किसने कौन सी ड्रेस पहनी होती है इन द इवेंट both find themselves fobbed off with a boy in disguise while fenton has run away with and married the true end. fenton and finally ho hai. so this is the video for you, and in this we covered lots of plays, and you can make your own notes with, with the help of this video. write down the characters and the main events. Uh, not whole story so that it will help you in your exam thank you for watching see you in next video